एक साथ इतने सवाल अच्छा मतलब क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा है ना। हाँ देखिए, ट्रेलर तो जाहिर सी बातें होगा, और आपने दूसरा शब्द बोला था क्या, लव जिहाद। हाँ, लव जिहाद तो ये केरल सरकार का दिया हुआ, केरल गवर्नमेंट गवर्नर का दिया हुआ पहला वर्ड है। उसके बाद में माननीय योगी जी ने दिया, फिर अलग अलग सरकारों ने दिया। हमारा मानना ऐसा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन, जो फोर्सफुल किया जाता है। हम कहानी अगर बात करें कहानी की, तो कहानी का मेन सार ये है कि प्रेम एक ऐसी पवित्र चीज़ है जो एक पिता पुत्री से करता है, माता अपने बेटे से करती है, और एक जो एक आज की डेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो वो प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम पवित्र होना चाहिए। वो किसी प्रेम में अगर साजिश अगर आ जाए, या कहीं आपको अपने, एक तो हमारे तो संविधान ने दिया ना, आपने जीने किसी भी धर्म में शादी करो, किसी भी मजहब में शादी करो, ये तो हमें खुद अधिकार दिया ना, अपने जीने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद में अगर फोर्सफुल किया जाए, धर्मांतरण की बात की जाए, कन्वर्जन की बात की जाए, वो गलत होती है। अब देखिए, फिल्म का नाम है द कन्वर्जन, तो जो आप सवाल पूछ रही हैं उसी में बहुत सारे जवाब छुपे हैं। कि आप कह रही हैं ना कि आपको दूसरे अवतार में देख रही हैं, फिर उसी में आप दूसरा अवतार भी देख रही हैं, तो मैं बस यही, मैं अपने किरदार के अगर बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल सर और उनकी टीम के लिए, क्योंकि एक एक्टर को ऐसा रोल कर मिल पाना, वो भी मेरी पहली फिल्म है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं साक्षी मिश्रा जो एक किरदार है, वो चाहे कॉलेज में हो या फिर उनका उन्हें प्यार होता है, फिर वो पढ़ाई करती हैं, वो पूरी एक जर्नी है जो कि मैं ऐसे शब्दों में तो बयां नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि जब जब मैंने साक्षी मिश्रा को महसूस किया है फ्रॉम डे वन, तब तब मेरी आँखों में आँसू आए हैं। और इस फिल्म में कहीं भी मैंने ग्लिसरीन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि बस ये लड़की है और इसकी ये कहानी है, और ये अगर हो रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है, और ये हमारे समाज की जो अभी की प्रॉब्लम है, ये उस चीज़ को दर्शाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक लड़की किसी से बहुत प्यार करती है तो वो प्योरेस्ट फीलिंग होती है, प्यार एक प्योरेस्ट फीलिंग है, और अगर उस प्यार में ना छल हो, गलत चीज़ आए, तो फिर वो सही नहीं होता। इसीलिए हमारी फिल्म ये बोलती है कि नो मोर फोर्स्ड कन्वर्जन, वो मुद्दा लेकर हमारी फिल्म आ रही है। और हमारी फिल्म का जो पूरा क्राइटेरिया कमर्शियली तो हमने बनाई है, लेकिन जो नैतिक जिम्मेदारी उठाई है सर ने और सर की टीम ने, वो यही है कि हर बेटी हिंदुस्तान की ये फिल्म देखे, क्योंकि एट द रेट आपने देखा होगा #SaveOurDaughters, तो ये फिल्म हमारे देश की हर बेटियों के लिए समर्पित है। और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमने ये फिल्म बनाई है। तो ये किरदार साक्षी मिश्रा का हमेशा से ही बहुत संजीदा रहा, और बहुत पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब ऐसे किरदार आपको मिलते हैं तो आपको वो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और फिर हम जब सेट पे जाते थे तो सर, वंदना मैम, हमारे जितनी भी टीम के लोग थे, वो सब मुझे, उन लोगों ने बहुत रिसर्च की हुई थी, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की थी, एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। मैं तो उस किरदार को बस पढ़ती थी, स्क्रिप्ट याद करती थी, 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के याद करती थी कि बस कंठस्थ करनी है, स्क्रिप्ट लेयर में घुसना है, यू नो एज एन एक्टर यू डू दैट, बट व्हेन यू कम टू नो ऑन द सेट दैट व्हाट द गर्ल्स आर गोइंग थ्रू इन द एंटायर वर्ल्ड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ओनली इंडिया, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, आई एम गेटिंग गूज़बम्स, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, तो ये सच है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पहली ही फिल्म में मैं एक ऐसे कैरेक्टर को जी रही हूँ जो कि दर्शाएगा हर उस बेटी के पेन को जो इससे गुजर चुकी हैं या आने वाले पल में गुजर सकती हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप सब 22 तारीख को ये फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें वो आत्मा है जो आपको फील होगी हर पल। अगर रिसर्च की बात करूँ तो
आपने रिसर्च किया होगा, तो इस वक्त अगर आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ आंकड़े की कितना लोग कन्वर्जन हो रहे हैं, या फिर कुछ अगर स्टोरीज आपके पास होंगी ऐसी कोई? देखिए, आंकड़े के आधार पर बात करें तो बहुत ऐसे आंकड़े हैं, मैं किसी का यहाँ पर इस मंच पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। इवन आकर मैं कहूँगा कि जो नेशनल लेवल के शूटर खिलाड़ी रहे हैं वो भी इससे गुजरे हैं, जो आज तक ये मीडिया में आई चीज़ें दब गई। देखिए बात वही है कि चाहे वो नहीं है इस दुनिया में लड़की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो फरीदाबाद से थी लड़की, क्या गलती थी उसकी? सिर्फ प्यार ही तो किया था ना। अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है, अगर हम ये करें नहीं, अगर उसके बाद में पसंद किया, एक महीने, दो महीने, छः महीने रहे, अगर हमें नहीं आ रहा है समझ में तो हम छोड़ सकते हैं ना। तो जबरदस्ती थोड़ी प्यार किया कि मैंने तुमसे कहा है कि प्यार करना, नहीं तो मैं। हाँ मतलब देखिए, शादी के पहले लोग अलग रहते हैं, और शादी जब हो जाती है, जब अल्टीमेटली उनको लगता है कि भाई कन्वर्जन हो गया, और उसके बाद जब अपना रूप दिखाते हैं, तो वो लड़की की सोचिए ना, वो कितनी मासूम रही होगी, और जब उसकी लेयर टू लेयर चीज़ें समझ में आती हैं और महसूस करती है, तो वो पेन, वो कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज। देखिए हाँ, और दूसरा जब आंकड़े की बात है ना, आंकड़े तो इतने हैं कि शायद सरकार नहीं रखना चाहती आप लोगों के बीच में। अगर आंकड़े नहीं होते ना, तो आज राज्य सरकार को इस तरह के कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जितने भी प्रदेश हैं, मैक्सिमम हर जगह ये कानून बन चुका है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जड़ तक पहुंचे, ये समस्या है। हम क्या ढक लेते हैं, नहीं समस्या हमारे घर तक नहीं आ रही ना, ठीक है यार, हमें नहीं। एंड ऑल्सो सर, पता है अभी मैंने जैसे महसूस किया, जैसे कश्मीर फाइल्स सबने देखी, और उसके बाद लोग बड़े रेज में थे, कि गुस्से में थे, लेकिन गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये कि हम शायद उनके प्रति और संवेदना दिखा सकें, उनको वापस चीज़ें दिला सकें, वो हम कर सकें सलूशन। अभी जैसे हमारी जो फिल्म है वो एक्चुअली में हो रहा है, वो तो बीत चुका, लेकिन हमारी ये फिल्म में ऐसा, ये आज हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो सोशल अवेयरनेस दे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम आज की है। एक और मैं आपको खुले, एकदम खुले दिल से बात कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है वो 125 करोड़ देशवासियों के लिए है। भारत की हर बेटी को ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि आज सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटी को मजबूत करने के लिए इतनी इतनी योजनाएँ चला रही है। तो ये एक तरह का पार्ट ऑफ योजना ही है कि हम भी अवेयर करना कि हाँ भाई, प्यार ठीक है, प्यार करिए, प्यार बिल्कुल किसी धर्म मजहब देख के नहीं करिए, लेकिन प्यार में किसी को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमने प्यार नहीं किया। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था शायद, वो किरण वो तो मतलब ये क्या है, मतलब भाई नहीं आया कि मैं ऐसा एक सुनील शेट्टी का डायलॉग था, तू मेरी हो ऐसा हो नहीं सकता, या तू क्या है मतलब ये। तो इस तरह का नहीं समझ में आ रहा है भाई, आप साल भर दो साल रहे, प्रेम नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। हम लोगों ने क्या है, आंखें बंद कर रखी हैं, बोले झूठ है, ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो ये आंकड़े नहीं होते, लोगों की मृत्यु नहीं होती, लड़कियों मरती नहीं, मतलब बोरे में नहीं मिलती, आज सूट केस में बंद होके आ रही है लड़कियां। मुझे पर्सनली भी कितनी लड़कियों ने मतलब लिटरली अप्रोच किया हुआ है, मुझे बोलती हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मैं खुद ये जिंदगी जी रही हूँ। नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं अभी कुछ दिनों पहले मॉल में गई थी और वहाँ पे एक लड़की थी, वो आई, उसने, मेरी मम्मी थी मेरे साथ में, और मैं एकदम शॉक थी, मैंने कहा कि मतलब क्या बोल रही हैं आप, मतलब, एंड शी इज़ लाइक कि आई एम लिविंग द लाइफ बट आई कांट कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, सो इट मीन्स इट इज़ हैपनिंग, राइट, वी हैव टू अग्री ऑन दैट। सो अगर हमारी फिल्म देखकर 10 लड़कियां भी बच जाएं और उनको अवेयरनेस पहुंच जाए, एक विजडम आ जाए, आई थिंक वी आर सॉर्टेड, वी थिंक दैट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने ली है वो पूरी हो गई है। और हम, हमारी पूरी टीम के साथ में ये जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, हमने खुद प्लान सोचा है इस बात के लिए कि आज जो लड़कियाँ हैं जो इसका शिकार हुई हैं, जो बेघर हैं, कि हम उस माध्यम से पूरे अभी से हमने उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी है। पूरी टीम ने जो आज जो रोड पे हैं, मतलब ना इधर की है ना उधर की है, क्यों, उनका क्या कसूर था? एक लेडी का, एक औरत का, लेडी बता रहा हूँ मैं, लेडी, कि किसी का कोई पति नहीं है और या पति की अपाइज या कुछ भी है, उसने सोच के ये कर लिया, उसके बाद में आज वो रोड पे है, उसके बच्चे रोड पे हैं। एंड ऑल्सो सर, आई थिंक द एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग गलतियाँ करते हैं लेकिन माँ बाप फिर एक्सेप्ट नहीं करते बच्चों को,
कई मैंने ये चीज़ बहुत ही एक रूट के हिसाब से अगर आप प्रॉब्लम की बात करें तो क्या होता है कि माँ बाप हमेशा बोलते रहते हैं बच्चे आजकल के ऐसे हो गए अच्छे हो गए, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि माँ बाप को भी थोड़ा अपने अंदर एक परिवर्तन लाना चाहिए कि अगर बच्चे ने गलती की है तो एक एक्सेप्टेंस रखें, एक डोर ओपन करके रखें बच्चे के लिए, क्योंकि फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा, अपने माँ बाप के पास ही जाएगा ना। तो हमारी फिल्म में आप ये भी मैसेज देखेंगे कि क्या होता है ऐसा साक्षी के साथ भी होता है और क्या कैसी परिस्थितियाँ होती हैं और क्या आखिर में होता है, वो भी एक प्रोसेस है जो हमने उठाया है। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जो एफर्ट्स हैं वो बच्चों की तरफ से तो हों लेकिन माँ बाप की तरफ से भी हों, तो वो बीच का जब रास्ता होता है तो एफर्ट्स लगते हैं दोनों तरफ से, तब वो यू नो चीज़ें सही रहती हैं ज़िंदगी में। तो वो भी हमारी फिल्म में आप देखेंगे कि है। ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ आपको लगता है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और क्या लग रहा है बिकॉज फिल्म अभी रिलीज होने वाली है तो किस तरीके का हम ज्योतिष तो है नहीं हम लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई थी उससे पहले का जो जो लोग जो फिल्मी पंडित होते हैं वो कह रहे थे नहीं नहीं ये नहीं ऐसा नहीं होगा, इसको शो नहीं मिलेंगे या इसको नहीं होगा, तो वही फिर दोबारा शो के लिए भी बात हुई, कहाँ वो 300-400-500 पे हुआ, 4,500-5,000 पे हुआ। हम नहीं कह रहे कि हम उस पे हैं लेकिन हमारी कोशिश है, हमारा काम है कोशिश करना, पब्लिक को कितनी पसंद आती है कितनी नहीं आती है पब्लिक के ऊपर है। नहीं बिल्कुल सर ने जो बात कही वो सही है कि तूफानों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो बस वही है, हमारी कोशिश लगातार है, हम प्रयत्नशील हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने सच्चे दिल से हमने कोई भी चीज़ बनाई है इतनी शिद्दत के साथ तो डेफिनेटली उसको। दूसरा, अभी 3 दिन पहले एक शो हुआ था हमारा प्राइवेट शो शिकागो में, एक औरत रो रही थी वहाँ पर शो के दौरान ना आके वो रो रही थी, बोले ये घटना आज से 25 साल पहले गुजरात में मेरे ननिहाल में हुई थी कि बेटी बाप ने कह दिया कि अब तूने उससे ये करिए और वहाँ उसने छोड़ दिया, माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गलती बेटी ने, लेकिन क्या आपके किसी के बच्चे अगर कोई गलती करते तो हम ये कहते कि नहीं गलती करती तो आप तुझे फांसी जन निकल जा, नहीं। तो वो कह रही थी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहानी आपने उसकी ऐसी बनाई है। हमारे जो शो हुए हैं जो रिस्पांस मिला है यूएस में, मैं खास तौर से यूएस में आज भी हमारा शो है, आज भी शो है, तो इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो उम्मीद तो बहुत है, हम भी उसी राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो आप लोगों से बस यही कहूँगी कि हमने हमारी पूरी टीम ने बहुत बहुत मेहनत करके और सच्चे दिल से पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संजीदगी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म बनाई है, मैसेज है लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। और मैं जानती हूँ कि आज तक आप लोगों ने हमेशा बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है और इस फिल्म को भी देंगे, तो प्लीज़ ज़रूर जाइए 22 अप्रैल 2022 को आपके नज़दीकी सिनेमा घर में और देश की हर बेटी को ये फिल्म ज़रूर दिखाइए। थैंक यू। बस मेरा ऐड ये है कि हर माता पिता को एक बार अपने बच्चों को, खुद देखें या ना देखें, अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं और ख़ास तौर से जो 13 साल से लेके जो 18-20 साल की जो बेटियां हैं उनको ज़रूर फिल्म दिखाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।